ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बात करते हैं गांधी भवन की। कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर कांग्रेस के 40 से अधिकृत प्रत्याशियों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में चुनाव से संबंधी आवश्यक जानकारियां प्रत्याशियों को दी गई और आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही चुनाव को किस तरह से लड़ना है और लोगों को किस तरह से साधना है इसके बारे में भी जानकारी दी गई। चुनाव संबंधी आवश्यक जानकारियों से अवगत कराने के उद्देश्य को लेकर ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा शनिवार को नीमच शहर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर 40 वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशियों की एक आवश्यक बैठक ली गई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशियों को आवश्यक जानकारी और सुझाव प्रदान किए गए। पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल ने बताया कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से नीमच नगर पालिका के 40 वार्ड के प्रत्याशियों की बैठक रखी गई। बैठक का उद्देश्य यह था कि 40 वार्ड के प्रत्याशियों को आचार संहिता के नियमों का पालन करने, अपने अपने वार्डों में कार्यालय का उद्घाटन करने, अभ्यर्थियों को किन प्रकार की जानकारी, किस प्रकार की अनुमति या अकाउंट संबंधी जानकारी दी गई है। बैठक का यही उद्देश्य है कि सब एकजुटता के साथ विजय हो और कांग्रेस की परिषद बने। शहर का विकास विगत 7 वर्षों से ठप पड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार माफिया पूरे शहर में सक्रिय हो गए हैं। चुनाव नहीं हुए हैं, इससे पहले मार्केट में भूमाफियाओं की चर्चा होने लगी है। इन सब को रोकने के लिए नगर हित में कांग्रेस एकजुट होकर प्रत्याशियों को जिताने में लगेगी और कांग्रेस की परिषद बनेगी। बंगला बगीचा संघर्ष समिति के सदस्य आए थे, उनकी समस्याएं वाजिब है। कांग्रेस की परिषद बनने के बाद निश्चित रूप से हम लोग बंगला बगीचा समस्या निराकरण के लिए कार्य करेंगे। पूर्व में भी कांग्रेस में बंगला बगीचा समस्या को लेकर कार्य हुए हैं। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से नीमच नगर पालिका के 40वीं वार्ड के प्रत्याशियों को की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथी भी उपस्थित थे। इस बैठक का उद्देश्य ये था कि सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता के नियमों का जानकारी रहे, निर्वाचित अभ्यर्थी जो है उसको क्या क्या जानकारियां चाहिए, क्या क्या अनुमतियां समय पे लेना पड़ेगी, अकाउंट से संबंधित क्या क्या रहना पड़ेगा उसके लिए उनको जानकारी रहे। उसके लिए कांग्रेस कार्यालय में भी हमने व्यवस्था की, उसकी जानकारी दी है। कांग्रेस कार्यालयों के शुभारंभ कब कब होंगे उस बारे में भी चर्चा की है और कुल मिला के उद्देश्य है कि सब एकजुटता के साथ विजयी हों और कांग्रेस की नगर पालिका बने, इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे शहर का विकास पिछले 7 सालों से ठप पड़ा है, भ्रष्टाचारी माफिया पूरे शहर में सक्रिय हो गया है, चुनाव नहीं हुए हैं उसके पहले मार्केट में भूमियों की और माफियाओं की चर्चा आने लगी है। इन सबको रोकने के लिए भी नगर हित में कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ कांग्रेस के प्रत्याशियों को हम जिताएंगे और कांग्रेस का बहुमत बनेगा।